एक बार कल मैंने उठाया ये टैक्स से रिलेटेड, जिसमें जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि आपका जो आइस कोटिंग की वजह से जो वेट आता है वो क्या आता है उस फॉर्मूले के थ्रू, और जो विंड प्रेशर की वजह से जो आता है फॉर्मूले के थ्रू वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, और थोड़ा सा इसमें कुछ टिपिकल वर्डिंग भी थी उसको भी हमने देखा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ ACSR दिया हुआ है 30+7 स्लैश 6.3 mm। तो इसका मतलब हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि 30 एल्यूमिनियम कंडक्टर एंड 7 स्टील कंडक्टर एंड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज 37, और 6.3 mm का मतलब हो गया कि ईच कंडक्टर है डायमीटर 6.3 mm। ये सारी चीजें दी गई थी, वेट पर यूनिट लेंथ दिया था, टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया था, सेफ्टी फैक्टर दिया था और स्पैन लेंथ दिया था एल। ठीक है, तो हमें ओवरऑल डायमीटर कैलकुलेट करना था, और ओवरऑल डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2n-1 × d, यानी हमें नंबर ऑफ लेयर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ लेयर्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ ओवरऑल कंडक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो 3n²-3n+1 होता है। नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर हमें पता है कितना यूज कर रहे हैं, वैल्यू पुट किया तो हमारा एन की वैल्यू 4 के बराबर आ गई। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल डायमीटर निकालने के लिए 2n-1 × d किया, तो हमें क्या मिल गया, ओवरऑल डायमीटर मिल गया, और इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। क्लियर, मैंने क्या बताया कि जब टेंसाइल स्ट्रेंथ गिवन हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ गिवन होने का मतलब है कि वो ऑप्टिमम वैल्यू जिसके ऊपर अगर टेंशन लगता है तो कंडक्टर ब्रेक हो जाएगा। तो सेफ्टी फैक्टर, किसी भी चीज का सेफ्टी फैक्टर, अगर हम किसी भी चीज के, अगर ये वोल्टेज के कंसिडर में हो, चाहे फैक्टर, याद रखना हमेशा ये होता है आपका जो भी उसकी ऑप्टिमम या रेटेड स्ट्रेंथ हो, यानी अगर मैं टेंशन के टर्म में बात कर रहा हूं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो भी हो, ताकि उसके बाद अगर टेंशन अप्लाई हो रहा है तो कंडक्टर क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, अपॉन जो वर्किंग टेंशन है। जो भी वर्किंग कंडीशन में टेंशन लग रहा है उसके रेशियो के बराबर होता है सेफ्टी फैक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, टेंशन कंडक्टर क्या हो जाएगा, कभी भी सेफ्टी फैक्टर वोल्टेज के टर्म में भी आपसे पूछे ना, तो वो वोल्टेज जिसके ऊपर आपका क्या हो जाए, फॉल्ट फॉल्ट मोड में चला जाए कोई सिस्टम, अपॉन वर्किंग वोल्टेज, वो होता है सेफ्टी फैक्टर। किसी भी चीज के लिए आप सेफ्टी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम लॉजिक यहाँ भी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया तो हमें टेंशन मिल गया। क्लियर, हमें डब्ल्यू मिल गया, हमें ओवरऑल डायमीटर मिल गया, ओवरऑल डायमीटर की वैल्यू 0.0441 मीटर। क्लियर, ये सारी चीजें हमें मिल गई है। तो पार्ट ए, यानी अगर हम सॉल्व करने जाए क्वेश्चन को, तो पार्ट ए में क्या पूछ रहा है आपसे, पार्ट ए में पूछ रहा है सैग इन स्टील एयर, यानी अभी कोई आइस की कोटिंग वगैरह नहीं है, सिंपली सैग पूछ रहा है स्टील एयर में क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, सैग डी इक्वल टू, सैग डी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एच सी के बराबर। ये सारी वैल्यूज आपके लिए नोन है, सब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 0.4 किलोग्राम पर मीटर, इंटू लेंथ स्पैन कितना दिया हुआ है आपको, स्पैन लेंथ कितना दिया हुआ है, स्पैन लेंथ दिया हुआ है 200 मीटर, यानी 200 स्क्वायर एयर अपॉन 8 इंटू टेंशन टी, यानी 250 kg। तो इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर में इसकी यूनिट आएगी, क्योंकि सारा कुछ क्या है, एसआई यूनिट में है, किलोग्राम और मीटर में। तो वैल्यू निकालो क्या आ रहा है, सॉल्व करो जाए इसको, सॉल्व करो कितना आ रहा है, ये 8, ये आपका कितना हो जाएगा, 200 जीरो, ये आपका पावरफुल 3, 8 आ रहा है क्या, ये 8 मीटर आ रहा यस सर। है। ठीक है, तो शायद मुझे स्टील एयर में कितना मिल गया, 8 मीटर। अब पार्ट बी क्या पूछा है, पार्ट बी आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है सैग, सैग हमें बताना है, यानी सैग की वैल्यू निकालनी है, सैग भी मुझे कैलकुलेट करना है कब, इफ कंडक्टर इज कवर्ड विद 0.5 सेंटीमीटर थिक आइस, यानी टी की वैल्यू आपको दी गई है 0.5 सेंटीमीटर, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.005 मीटर। -2 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो थिकनेस ऑफ आइस मुझे मिल गया कि 0.005 मीटर है।
ओवरऑल डायमीटर मुझे पता है कि 0.0441 मीटर है, क्लियर। तो ये सारी चीजें मुझे पता है, मुझे डेंसिटी ऑफ आइस भी गिवन है, डेंसिटी ऑफ आइस कितनी दी गई है 915 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आइस की जो डेंसिटी है रो आई वो 915 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। देखो यहाँ पे सारी यूनिट मैंने मीटर वगैरह में क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एसआई यूनिट में दिया हुआ है। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि यूनिट पे जरूर फोकस रखिएगा, मिलीमीटर में दे देगा, सेंटीमीटर में दे देगा, आपको मीटर में कन्वर्ट करना ही करना, ताकि आपके पास जो एग्जैक्ट मैथमेटिकल वैल्यू आया उसमें टेन पावर माइनस समथिंग से या टेन पावर स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, क्लियर। इसीलिए आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, जो आइस लोडिंग है, यानी आइस लोडिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी। फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, कोई बताओ, डब्ल्यू आई का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू क्या निकाला था हमने सॉल्व करके, पाई इंटू टी इन ब्रैकेट डी प्लस टी, पाई टी डी प्लस टी, क्लियर, किलोग्राम पर मीटर, यही आया था ना हमारा, ठीक है। जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया मिला था जब हमने माइनस किया था थिकनेस वाले उसको लेके, और मतलब पाई जो भी थिकनेस के साथ स्क्वायर आ रहा था माइनस कंडक्टर का एरिया किया था, फॉर्मूला हमारा निकल के आया था। तो हमें वहां पे माइनस नहीं करना है, हमें सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि सारी वैल्यूज आपके लिए नोन है। तो वैल्यू पुट कर दो, 915 इंटू पाई 3.14 इंटू थिकनेस 0.005 इंटू डी 0.0441 प्लस 0.005, कितना आ रहा है, सॉल्व करो इसको। सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। किसी का आया, राशि का, श्रुति, सुशील सर 0.705 किलो किलोग्राम, 0.70 राउंड करने के बाद 706 आ रहा है, 705 आ रहा है, हां 706 आ रहा है सर जी, 706 किलोग्राम पर मीटर, यानी आपको डब्ल्यू आई मिल गया, ठीक है। जब डब्ल्यू आई मिल गया, केवल आई की कोटिंग है, विंड का तो कोई रोल है नहीं, तो इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा। अगर मैं इफेक्टिव वेट की बात करूं यहाँ पे, तो इफेक्टिव वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू ई क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर का वेट तो है ही प्लस आइस लोडिंग की वजह से जो वेट आया है, दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड लगेंगे तो दोनों का सिंपली सम हो जाना है। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.4 किलोग्राम पर मीटर प्लस 0.706 किलोग्राम पर मीटर, यानी ये कितना आ जाएगा, 1.106 किलोग्राम पर मीटर, क्लियर। तो मुझे मिल गया इफेक्टिव वेट, तो सैट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैंने मान लिया सैट डी डैश से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो सैट डी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 80, सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना हमें वैल्यू, 1.106 इंटू एल की वैल्यू कितनी दी गई थी, 200 स्क्वायर अपॉन 8 इंटू टी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 250 किलोग्राम, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। वैल्यू कितनी आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 22 के आसपास आनी चाहिए, 22.12 मीटर आ रहा है सबका, ये सबका आ रहा नहीं, ये और किसी का आया, यस सर यही आ रहा है। पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट सी में क्या पूछा है, सैग बताना है, लेकिन टोटल और वर्टिकल, टोटल एंड वर्टिकल सैग आपको बताना, जैसा मैंने बताया था आपको वही चीज यहाँ पे आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि अब यहाँ पे कंडक्टर आइस कोटिंग तो है ही 0.5 सेंटीमीटर का, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया अभी सेक्शन में, साथ ही साथ विंड प्रेशर है,
विंड प्रेशर कितनी दी, पी इक्वल टू आपको गिवन है 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। देखो ये भी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में आए तो ऑब्वियस की बात है इसकी वजह से भी जो लोडिंग आएगी वो भी किलोग्राम पर मीटर में होगी, अदरवाइज हमने जो प्रेशर पढ़ रखा है इंटरमीडिएट में वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन इन्होंने जो यूनिट दिया है वो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में दी गई है, तो वेट भी आपको किलोग्राम पर मीटर में ही मिलेगा। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, प्रेशर इंटू डी प्लस टू टी, जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, यही किया था ना हमने। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल बच्चों, आवाज आ रही है ना? यस सर, प्रेशर इंटू डी प्लस टू टी, यही किया था हमने, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था क्योंकि हम वर्टिकल पूरा डिस्टेंस लेते हैं डी और ऊपर का थिकनेस पी और नीचे का थिकनेस सी, यानी वर्टेक्स लेते हैं तो ये पी इंटू डी प्लस टू टी आएगा, और ऑब्वियस की बात है इसकी यूनिट क्या आएगी, किलोग्राम पर मीटर आएगी, क्योंकि ये किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में और ये मीटर में है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जानी आपको, 10 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाल रखी है 0.0441 प्लस टू टाइम्स ऑफ टी, टी की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट रखी थी 0.005। क्लियर? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है 0.5 के अप्रोक्स, 1.541 किलोग्राम पर मीटर। ये हमारा आ गया विंड की वजह से, यानी अगर मैं इफेक्टिव लोडिंग की बात करूं तो एक लोडिंग आ रही है मेरी विंड की वजह से डब्ल्यू डब्ल्यू, और एक लोडिंग आ रही है मेरी कंडक्टर के वेट और आइस कोटिंग की वजह से डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई। क्लियर? तो जैसा हम करते थे वैसा फिर करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का हम फेजर सम लेंगे यानी रिजल्टेंट लेंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो पैरेललोग्राम थ्योरम क्या हो जाएगा, जो इफेक्टिव रेट आएगा उसका मैग्नीट्यूड दोनों के स्क्वायर के सम के अंडर रूट के बराबर हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये एंगल हम मान लेते हैं कि थीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू का स्क्वायर। क्लियर? और ये वैल्यू क्या आई थी हमारी, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरी, जब कैलकुलेट किया था हमने तो 1.106 स्क्वायर, 1.106 का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू हमारी आई है 0.541 का स्क्वायर, कितना आ रहा है ये वैल्यू, इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है ये, कितना रहा 1.2 समथिंग, बताओ 1.231 किलोग्राम पर मीटर, यूनिट का ध्यान रखना क्योंकि सबकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर है, तो इसकी यूनिट भी किलोग्राम पर मीटर ही आएगी। तो आपसे पूछा है सैग, टोटल एंड वर्टिकल, तो टोटल सैग के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली टोटल सैग इक्वल टू आपका हो जाएगा इफेक्टिव वेट इंटू एल स्क्वायर अपॉन एटी के बराबर। क्लियर? यानी 1.231 इंटू 200 स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 250। क्लियर? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 24.62 मीटर। क्लियर? फिर से वही काम, आपका वर्टिकल सैग निकालना है, वर्टिकल सैग निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने दो तरीके आपको बताए हैं, या तो आप क्या करो tan इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई से थीटा निकालो, उसके बाद क्या करो cos थीटा की वैल्यू निकालो, फिर आप निकाल सकते हो उससे डब्ल्यू ई के इफेक्टिव क्या है, यहाँ पर मैं मान लो ये डी डबल डैश ले लेता हूँ, तो डब्ल्यू ई के इफेक्टिव डी डबल डैश है, तो वर्टिकल सैग क्या हो जाएगा डी डबल डैश, इसका वर्टिकल सैग का मतलब क्या हो गया, वो कंपोनेंट जो वेट की तरफ इशारा करते हो, यानी वेट ऑफ कंडक्टर वेट ऑफ आइस की तरफ, डी डबल डैश cos थीटा बराबर हो जाएगा, या तो आप थीटा निकाल के cos थीटा निकालो, या तो सीधे सीधे यहाँ वैल्यू पुट कर दो, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी w प्लस डब्ल्यू आई अपॉन w इफेक्टिव के बराबर, क्योंकि आपने वो वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, ये आपका हो जाएगा 24.62 इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई की वैल्यू 1.106 आई थी अपॉन इफेक्टिव वेट की वैल्यू मेरी 1.231 आया था।
इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 से कमी आएगा ना, ये 1.106 अपॉन 1.2 कितना रहा बताओ, 24 से कमी आएगा, कितना रहा बताओ जल्दी, 22.12। तो अभी तुमने आइस कोटिंग की वजह से भी सैग निकाला था, जब उसका वैल्यू चेक करना, उसका वैल्यू कितना है, 22.12। यानी केवल आइस कोटिंग की वजह से भी जो आपको सैग मिल रहा है वो भी वर्टिकल सैग के बराबर ही होगा, कुछ अलग नहीं हो जाना, क्योंकि वो कंडक्टर के वेट और आइस के वेट की वजह से मिल रहा है, तो वो तो वही आएगा जो आपने आइस के लिए निकाल लिया, क्लियर, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो जानी है, देख रहे होगे तुम किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, विंड की वजह से बस यही होगा कि थोड़ा सा कंडक्टर को इंक्लिनेशन मिल जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा, तो तीन तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पूछेगा, सेम सपोर्ट लेवल पे आपको पूछेगा क्वेश्चन, या तो डिफरेंट सपोर्ट लेवल पे पूछेगा, या फिर आपसे ये पूरा डाटा दे देगा और इस बेसिस पे आपसे सैग पूछ लेगा, अदरवाइज कोई क्वेश्चन इसमें बनता नहीं, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सैग टेम्पलेट एंड वाइब्रेशन डैम्पिंग।